तो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी 3 प्रो है तो गाइस आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो अगर आपके पास रियलमी 3 प्रो है तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ जो है मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रियलमी का कम्युनिटी ऐप। और अगर हम यहाँ पर इसके फॉलोइंग में जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले एक पोस्ट है, ये अभी पोस्ट हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं रियलमी के जिन्होंने पोस्ट करी है। यहाँ पर आप देख सकते हो रियलमी यू आई 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 रोलिंग आउट फॉर रियलमी यू 3 प्रो। बहुत लेट कर दिया इन्होंने, लेकिन फाइनली रियलमी 3 प्रो वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ जो निकल कर आ गई है। यहाँ पर रियलमी 3 प्रो के लिए यहाँ पर रियलमी यू आई 2.0 एंड्रॉयड 11 पे जो है वो रोलिंग आउट होनी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर आपको अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पर वेट करो, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको वेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये पूरी पोस्ट समझाता हूँ, क्या कहा है इन्होंने, क्या है सारा कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन्होंने फोटो यहाँ पर शेयर कर दिया रियलमी 3 प्रो की। अब गाइज, यहाँ पर ये मेरा फ़ोन था, मतलब पहले मैं इसे यूज़ कर रहा था रियलमी 3 प्रो को, फिर मैंने 5 प्रो पे शिफ्ट किया था। तो 3 प्रो तगड़ा फ़ोन था अगर प्राइस को कंपेयर करें तो। मैं आपको यहाँ पर इसकी पोस्ट दिखाता हूँ। हाय रियलमी फैंस, द वेट इज़ ओवर, वी ग्लैड टू अनाउंस रियलमी 3 प्रो इज़ नाउ गेटिंग रियलमी यू आई 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। ऑफिशियल रोल आउट हैज़ बिगन, मतलब ऑफिशियल रोलिंग आउट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। द रोल आउट इज़ रिलीज्ड इन बैचेज। यहाँ पर एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि भाई जो ये अपडेट है ये बैचेज में रोल आउट होगा और एंड विल रीच यू सून। तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि भाई मेरे को आज रिसीव हो गया तो आपको भी आज ही रिसीव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बैचेज में रोल आउट होगा, तो मुझे आज रिसीव हुआ तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक या फिर उससे भी नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा, लेकिन 4 वीक तक सबको ये रोल आउट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और इसका जो वर्जन रहने वाला है ये है वर्जन, यहाँ पर आप देख सकते हो RMX 1851EX11F.04। तो ये इसका वर्जन रहने वाला है। और यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला तो है अबाउट रोल आउट, इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द अपडेट वी विल रोल आउट इन स्टेज्ड मैनर। तो यहाँ पर एक चीज़ कह रहे हैं भाई, अपडेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम इस रोल आउट, इस अपडेट को स्टेजेस में या फिर बैचेस में रोल आउट करेंगे, जिससे इस अपडेट के अंदर अगर कोई तगड़ी प्रॉब्लम का या कोई मेजर बग हो तो ये पहले ही बैच के अंदर पता लग जाए, तो ज़्यादा यूजर्स को परेशानी ना हो, इसलिए ये बैचेस के अंदर रोल आउट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ये क्रिटिकल बग्स यहाँ पर ये कह रहा है। उसके बाद है कॉमन इशू, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है जब भी आप इस अपग्रेड करोगे एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए पॉइंट है, आफ्टर अपग्रेड इट मे टेक अ लॉन्गर टाइम टू बूट फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली देर आर मैनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑन योर फोन। एंड्रॉयड 11 रियलमी यू आई 2.0 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही निकल कर आई थी, भाई रीस्टार्ट प्रॉब्लम थी, बहुत टाइम लेता था रीस्टार्ट होने में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये कॉमन है। और उसके बाद बी पॉइंट है, आफ्टर अपग्रेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड एलिमिनेट पोटेंशियल सेफ्टी रिस्क परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्शन सच एज एप्लीकेशन अडेप्शन बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन एंड सिक्योरिटी स्कैनिंग सो दैट सिस्टम विल ऑक्यूपाई मोर सीपीयू मेमोरी एंड अदर रिसोर्सेज विच में कॉज स्लाइट हैंगिंग एंड फास्टर पावर कंजप्शन। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है कि भाई एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 पर जब आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर इसे ऑप्टिमाइज होने में काफ़ी टाइम लगेगा और ये ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा ऑप्टिमाइज करने में, सीपीयू ज़्यादा यूज़ होगा, मेमोरी भी होगा, तो हो सकता है आपको आपका फ़ोन स्लो फील हो और उसकी बैटरी जो है वो जल्दी मतलब ड्रेन होना जो है वो कॉमन है। लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, ये 2 या 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। ये कहते हैं वी सजेस्ट यू दैट यू कैन लीव इट फॉर 5 आवर्स आफ्टर द फोन इज़ फुल्ली चार्ज और यूज़ द मोबाइल फ़ोन फॉर 3 डेज नॉर्मली। तो आपको 3 दिन, मतलब मैंने आपको यही बताया कि भाई इसे ऑप्टिमाइज होने में 1 से लेकर 3 दिन और मैक्सिमम 5 दिन लग जाते हैं, तो नॉर्मल यूज़ करना। और अगर आपको बग्स मिले हैं, आपको मतलब आपका फ़ोन हैंग होने लगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लीज़ नोट द मैनुअल डाउनलोड लिंक विल बी अपडेटेड टू द वेबसाइट सून। जब ये सबके बैचेस के अंदर रोल आउट हो जाएगा तब इसका मैनुअल अपडेट लिंक जो है वो वेबसाइट पे अपडेट होगा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है।
और रियलमी यू आई 2.0 का जो वर्जन है वो स्टार्ट होगा आर एम एक्स 1851EX11F.05। अगर आपको ये ऑलरेडी रिसीव हो गया है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फोटोज शेयर कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। और अपडेट लॉग अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो है सिस्टम, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। उसके बाद है वायरलेस बूस्ट वाईफाई परफॉर्मेंस विद स्ट्रॉन्गर सिग्नल अक्रॉस वाईफाई चैनल्स। तो यहाँ पर ये भी इन्होंने इम्प्रूव किया है। कैमरास के अंदर देखो, फिक्स एन इशू दैट माइट कॉज द कैमरा ऐप टू फ्रीज व्हेन यूजिंग द रियर कैमरा इन पोर्ट्रेट मोड। तो ये भी इन्होंने ठीक किया है। फिक्स एन इशू वेयर द कैमरा ऐप माइट बी फ्रीज व्हेन यू स्विच टू फ्रंट कैमरा टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट एंड स्विच टू अनदर शूटिंग मोड। तो कैमरास के अंदर फिक्स किया गया है। यहाँ पर देखो ये भी है, ब्रस्ट मोड में अगर आप कर रहे हो तो भाई इसके अंदर भी कैमरा जो है वो काफ़ी टाइम ले रहा है, तो ये भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। रियलमी यू आई फिक्स्ड एन इशू वेयर द सर्च बॉक्स एंड द नेविगेशन बटन माइट ओवरलैप इन गेस्ट मोड, और फिक्स्ड एन इशू वेयर ऐप माइट अपियर इन द रॉन्ग प्लेस इन रीसेंट स्क्रीन व्हेन यू स्विच टू द रीसेंट स्क्रीन फ्रॉम स्प्लिट स्क्रीन। उसके बाद है ऐप्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉज एम्बियंट साउंड टू डिसअपियर व्हेन यू टर्न वॉइस चैट ऑन एंड देन ऑफ इन गेम्स। उसके बाद है सिक्योरिटी इंटीग्रेट अगस्त 2021 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू इन्हेंस सिस्टम सिक्योरिटी। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट अपडेट्स आएंगे उसके अंदर इसे भी यहाँ पर ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये FAQs हैं, इन्हें आप पॉज करके पढ़ लेना। इसे ज़्यादा अगर मैं आपको समझाऊंगा तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, आपका भी ज़्यादा टाइम लगे, मेरा भी ज़्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंट और है कि भाई आप एंड्रॉयड 10 पे वापस रोल बैक कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने अपना फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे अपडेट कर लिया है तो आपको मिनिमम 15 डेज वेट करना होगा, अगर आप चाहते हो कि भाई आपके फ़ोन के अंदर कुछ इंटरनल इशू ना आए कंपोनेंट से रिलेटेड, तो आपको एटलीस्ट 15 दिन वेट करना है एंड्रॉयड 11 पे, उसके बाद ही आपको रोल बैक करना है। और रोल बैक करने का प्रोसेस की मैं वीडियो एक ऑलरेडी बना चुका हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है योर पर्सनल डाटा विल बी इरेज्ड व्हेन यू रोल बैक। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, अपडेट अगर आप कर रहे हो तो आपका कोई डाटा फॉर्मेट नहीं होगा, आपका कोई डाटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोल बैक करोगे तो आपका सारा का सारा डाटा जो है फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, यू कांट गो बैक टू द अर्ली एक्सेस वर्जन वंस यू रोल बैक। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, अगर आपने एंड्रॉयड 10 पर रोल बैक कर लिया तो आपको बीटा एक्सेस या अर्ली एक्सेस नहीं मिलेगा। उसके बाद है, यू नीड टू मैनुअल अपडेट टू द लेटेस्ट रियलमी यू आई 1.0 वर्जन इफ़ यू लूज सम प्री इंस्टॉल्ड एप्स। ठीक है, अगर मैनुअल रोल बैक की फाइल आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, स्टेप वही है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना, रोल बैक पैकेज ये रहा फॉर रियलमी 3 प्रो। अगर आप इस पर टैप करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद है फोन को रिस्टार्ट करना, एंटर रिकवरी मोड करना, उसके बाद रिकवरी मोड टू रोल बैक, टर्न ऑफ योर फोन, लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन्स एंड सम टाइम, देखो इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज है, और इनपुट योर स्क्रीन लॉक पासवर्ड, फाइंड एंड टैप द रोल बैक पैकेज जो आपने डाउनलोड किया होगा। ये इसके स्क्रीनशॉट्स हैं, इसका लिंक आर्टिकल का मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप आराम से जाके इसे पढ़ लेना अच्छी तरीके से। रियलमी यू 2.0 एंड्रॉयड 11 पे रियलमी 3 प्रो को अपडेट करने से पहले इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आपने ये ना पढ़ा हो और आप डायरेक्ट अपडेट कर रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।